मैंने आपको कल बताया था कि किसी स्टेबल कम्युनिटी को कहते हैं, स्टेबल कम्युनिटी को कहते हैं कि लोग एक ऐसी बस्ती, एक ऐसी जगह जहाँ लोग रह रहे हैं, बट दैट कम्युनिटी इज स्टेबल। क्यों इसको डिफ्रेंशिएट करना है किससे? जो खानाबदोश लोग होते हैं उनसे, ठीक है, उन्होंने जो घर बनाए हुए होते हैं वो किसी भी सेटलमेंट के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्टेबल कम्युनिटी जो होगी उसको हम सेटलमेंट कहेंगे, आइदर वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है। दोनों केसेस में है वो क्या, सेटलमेंट है। सेटलमेंट जो है, अगर उसका आप सोचें तो आपके माइंड में सेटलमेंट की कौन सी टाइप्स आती हैं? मैम, रूरल अर्बन सेटलमेंट एंड व्हाट के अलावा? रूरल और अर्बन सेटलमेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होता है हायरार्कीज वाइज अगर देखें तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास? सबसे पहले आपके पास आता है विलेज आता है, या विलेज से भी पहले हम उसको कहेंगे तो दैट इज दी हैमलेट। उसको हम कहते हैं हैमलेट। हैमलेट विलेज से भी स्मॉल होता है, लेस देन यू कैन से दी 100 पीपल, इट कैन बी अराउंड 10 to 20, ठीक है। आइसोलेटेड ड्वेलिंग जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको आप कहते हैं हैमलेट। हैमलेट और विलेज में भी कुछ डिफरेंस होता है। हैमलेट एंड देन देयर इज विलेज। हैमलेट और विलेज में जो डिफरेंसेस हैं वो पॉपुलेशन के हैं, रिसोर्सेज के हैं और पब्लिक बिल्डिंग। हैमलेट में कोई पब्लिक बिल्डिंग नहीं होती है, ना कोई चर्च, मॉस्क, कोई भी इस किस्म की बिल्डिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। विलेज आपका जो है वहाँ पर इवन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी हो सकती है, इट कैन बी द यूनियन काउंसिल, कैन नॉट बी बट इट कैन बी। अगर स्मॉल विलेज होता है तो उसमें बाजूपा नहीं होती, बट यूनियन काउंसिल होती है आपकी, आपके इस कोई भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड वहां पर बंदा होता है जिनको हम वो कहते हैं, और नहीं तो लैंड रिकॉर्ड के लिए पटवारी कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें विलेज में चल रही होती हैं, जबकि हैमलेट की पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। यहाँ पर आपको कोई शॉप वगैरह नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको कोई पब्लिक बिल्डिंग नहीं मिलती है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल की एक छोटी सी कम्युनिटी होती है जो वहां रह रहे होते, तो उसको आप हैमलेट कहते हैं। हैमलेट के बाद जो आपके पास नेक्स्ट सेटलमेंट आती है वो विलेज आता है। विलेज के बारे में मैंने आपको सारा कंपैरेटिव बताया, देन आपके पास जो चीज आती है उसको आप कहते हैं सिटी। सिटी वो होता है जहाँ आपके पास रिसोर्सेज हर तरह के होते हैं, मार्केट है, इंडस्ट्री होगी, ठीक है, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल और हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होगा, यानी कोई लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई म्यूनिसिपल विंग, ठीक है। तो उसको आप कहते हैं शहर। वैसे अगर आप कहें कि आपने किस तरह से क्लासिफाई करना है सिटी को, तो इसकी जो डेफिनेशन है कोई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है।
ये हर कंट्री के सेंसस में वो पहले अपनी डेफिनेशन देते हैं, वो बताते हैं कि हम किसको विलेज कंसिडर करेंगे, किसको इवन टाउन कंसिडर करेंगे और किसको सिटी कंसिडर करेंगे। टाउन जो है वो विलेज से बड़ा होता है, सिटी से छोटा होता है, रिसोर्सेज इसके इन बिटवीन होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी हर सेंसस में जो डेफिनेशन थी वो डिफरेंट रही है। उसकी रीजन कि कभी ये लोग पॉलिटिकली बाउंड्रीज बना देते हैं, मतलब ये कि अगर आपका एरिया किसी तहसील का दर्जा रखता है तो इट मस्ट बी द सिटी। ठीक है, इसको इतने यूनियन काउंसिल लग रहे हैं, ठीक है, उसकी आबादी पे जितनी भी है, रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं, इसको फिर हम भी सिटी कंसिडर करें क्योंकि ये हमारी मेन तहसील है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ होता है ये आपका पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है, कि आपके पास भी 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगी या इससे ज्यादा होगी तो हम सिटी कंसिडर करें। बट दिस इज डिफरेंट, इसकी कोई स्टैंडर्ड सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास चीज आती है जिसको आप कहते हैं कन्वर्बेशन। मर्जी, सलाम अलैकुम, अलहमदुल्ला। और टू सेकंड उस आपका नाम बैठेंगे, ग्रेटर लंदन इसकी एग्जांपल है। तो मतलब ये है कि पहले ये दो सेटलमेंट सेपरेट होंगे, एक सेटलमेंट वन होगी, एक टू होगी। आइदर इट कैन बी अ टाउन एंड इट कैन बी दी विलेज, और ये दोनों मर्ज हो गए हैं बाद में, इनकी बाउंड्रीज मर्ज हो गई हैं और एक ये बड़ा शहर बन गया। और इट कैन बी अ सिटी और उसके साथ बाद में कोई टाउन था, वो बाद में इसके साथ मर्ज हो गया, अब एक लार्ज सिटी बन गया, तो उसको आप कन्वर्बेशन कहते हैं। ये कन्वर्बेशन है। देन आपके पास होता है मेगालो पोलिस, ये आप उन सिटीज को कहते हैं जिसमें मोर देन वन कन्वर्बेशन है। ये नहीं, पहले तो मैंने कहा ना कि दो सेटलमेंट थी, दो सेटलमेंट ज्वाइन हो गई, एक शहर बन गया, तो उसको आप कन्वर्बेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक ही मतलब मेन एरिया है, इसके साथ यहाँ से भी एरिया मर्ज होते जा रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हम इसको फिर क्या बोलेंगे, मेगालोपोलिस। तो ये सिटीज, ये कुछ सेटलमेंट की टाइप्स होती हैं जब हम इनको मतलब डिफाइन करने के लिए लिखते हैं तो हमारे पास ये आती है। लेकिन अगर आप इसकी कोई हायरार्की बनाना चाहें उसमें आप बहुत सारी दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आइसोलेटेड ड्वेलिंग होती हैं, सिंगल और टू यानी एक या दो फैमिली होंगी, फिर आपके पास हैमलेट होगा, लेस देन 100 यहाँ पे पॉपुलेशन है, देन आपके पास विलेज है। ठीक है, 100 to 500 पॉपुलेशन, देन आपके पास टाउन है, देन आपके पास जस्ट ओके, देन आपके पास टाउन है, देन आपके पास कन्वर्बेशन है, देन आपके पास सिटी है, देन आपके पास मेगा सिटी है, देन आपके पास मेगालोपोलिस है। ठीक है, अब इनकी जो फिगर्स हैं ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट दिए हैं।
आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट देम आउट कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें हमें कुछ अ काइंड ऑफ अ नियर ऑफ स्टैंडर्डाइज वर्जन मिल जाए क्या, कि आप सिटी किसे कहेंगे और पोलिस किसे कहेंगे और मेगालोपोलिस किसे कहेंगे, बट इसकी जो डेफिनेशन है वो हर जगह बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैं इसका इसके बारे में देखती हूँ और फिर आपको फर्दर इन्फॉर्म करती हूँ। ओके अब ये तो बात हो गई सेटलमेंट की, ये सेटलमेंट की टाइप होती हैं, दो मेन सेटलमेंट तो यही है कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट होती है। अब सेटलमेंट के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो रूरल एरिया होता है वो लाइफ लाइन होता है किसी भी अर्बन एरिया, सस्टेन ग्रोथ के लिए जरूरी है कि अर्बन एरिया की जो लाइफ लाइन है वो मेंटेन रहे। अगर आप अपने अर्बन एरिया की लाइफ लाइन को मेंटेन नहीं करते हैं, उसकी लाइफ लाइन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। लाइफ लाइन कैसे है, रूरल एरिया अर्बन एरिया के कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? रूरल एरिया आपको चाहिए फॉर रॉ मटेरियल, रूरल एरिया आपको चाहिए फूड सप्लाई के लिए, ऑर्गेनिक नेचुरल नॉट प्रोसेस्ड। आपका रूरल एरिया एक्ट करता है एज अ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब इनाम इनकेस अगर आपको नहीं पता तो वो ये होता है कि आपके अर्बन एरियाज जो हैं ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इन अर्बन एरियाज के अंदर भी हम फॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं, लेकिन अगर ये फॉरेस्टेशन इनफ नहीं है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, उन गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो ये रिलीज कर, अगर हम ओवरऑल रीजन या वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर की बात करें तो दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती है अगर हम सारे रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि फिर जो आपका एक टेम्परेचर है जमीन का वो बढ़ जाए। इनाम अपना माइक ऑफ करें और अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो क्लियर करके बोलें। अर्बन एरियाज जो हैं ये क्रिएट करते हैं एक चीज जिसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, यानी आपके सराउंडिंग का जो रूरल एरिया है उससे अर्बन एरिया का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाता है, और ये पर्टिकुलरली एट नाइट। इसकी रीजन यही है अगेन कि मतलब ये पूरा एक अलग छोटा सा टॉपिक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह है वो समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसकी रीजन इसी वजह से है कि जाहिर है यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होती है, यहाँ पर जमीन जो है वो आपकी गर्म है, कॉन्क्रीट रेत या सीमेंट ये जो है हीट को ज्यादा अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है तो देखिए एस्टेब्लिश करते हैं। अगर आप ये करें कि सब रूरल एरियाज जो हैं वो एक इतनी तेजी से अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं, तो जमीन का जो टेम्परेचर है हम उसको मेंटेन नहीं रख, फिर आपके जो रूरल एरियाज हैं ये आपके नेचुरल इकोसिस्टम, इसको बैलेंस करते हैं। यानी कैसे, नेचुरल इकोसिस्टम कैसे बैलेंस होता है? आपके पास रिवर्स हैं, ठीक है, आपके पास कनाल्स हैं, आपके पास वेल्स हैं, ये सारे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ से
एवापोरेशन होती है। घरों में, शहरों में जो हमने डिग किए हुए हैं उसके थ्रू मोटरें लगाई हुई हैं वहां से, वो तो कोई ओपन वाटर स्पेस तो नहीं है ना जहाँ से आपकी एवापोरेशन होगी। यहाँ से एवापोरेशन होती है, यहाँ से क्लाउड बनते हैं, रेन का एक साइकिल क्रिएट होता है, यहाँ से आपकी जो है बहुत एनिमल जो हैं जिसको लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मेंटेन होता है आपका, और ये सब चीजें जरूरी हैं इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि कभी किसी वक्त साइंस में पढ़ा होगा जो कार्बन साइकिल है, जो वाटर साइकिल है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप ये भी यहाँ पर मेंशन कर दें, क्योंकि ये एक सवाल पास पेपर में आया हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा भी था पर्टिकुलरली, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जो कार्बन साइकिल है, ये जो वाटर साइकिल है, ये सारी चीजें जो हैं आपके रूरल एरिया मेंटेन कर। तो इसीलिए रूरल सेटलमेंट जो हैं ये अर्बन सेटलमेंट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर रूरल सेटलमेंट खत्म हो जाएंगी या कम होना शुरू हो जाएंगी इस पेस ऑफ अर्बनाइजेशन के साथ, तो फिर दुनिया को बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। तो करने की क्या जरूरत होती है कि रूरल एरिया के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगर टर्शरी लेवल की नहीं हो सकती तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो होनी चाहिए ऐसी, बेटर एजुकेशन की आपकी होम बेस्ड कह रही हूँ, आपकी यहाँ पर इंटरव्यू लग सकती हैं, इन छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स की होती हैं, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। जब लोगों को अपनी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती हुई मिलेंगी, तो वो क्यों जो है कहीं जाने की कोशिश करेंगे। कितने पैसे देंगे? 2,000? 5,000? बल्कि ये भी ले लो, इसका कॉस्ट 500 चाहिए। ओके, जब उनको वहां पर अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड कर देंगे, तो लोग पागल तो नहीं है कि वो अपने घर, अपनी जमीन, अपनी जगह छोड़कर एक बिल्कुल नई जिंदगी का स्टार्ट लेने के लिए शहरों में शिफ्ट होते हैं। ऑल दी नीड इज द बेसिक फैसिलिटीज देयर इन देयर रूरल एरिया। ठीक है, आपने फ्यूडलिज्म को खत्म करना है जो कि अभी तक है, हम कहते हैं ना कि इकोनॉमी तो नहीं रही है फ्यूडल इस तरह की, लेकिन ये जो है ये अभी भी है। लैंड के जो रिफॉर्म्स हैं वो करने हैं आपने स्टिल। ठीक है, आपने जो इरिगेशन है इसके मसाइल को हल करना है, आपने थोड़ा बहुत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है जो कि आपके रूरल एरियाज को कनेक्ट करें, एटलीस्ट जो चीज़ें वहां पर प्रोसेस हो रही हैं, जो चीज़ें वहां पर बन रही हैं, जो रॉ मटेरियल है वो आप बवक्त जरूरत शहरों तक पहुंचा सकें और आपका सप्लाई मेंटेन हो सके। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके रूरल एरियाज में अच्छी खासी जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन स्टे देयर एंड एंजॉय, वो क्या कहते हैं कि वो नेचर को भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बेसिक अपनी जो नेसेसिटीज है उनको भी पूरा कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई व्हेन वी आर डेवलपिंग एन एरिया वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सिटी, वी नीड टू फोकस ऑन अ लार्जर रीजन, ऑन द नेबरहुड। द सिटी कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद अदर सिटीज, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द नियर बाय रूरल सेंटर, अदरवाइज इट्स गोना डाई।
ओके okay. अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो कुछ इनलीगल सेटलमेंट इसमें इलीगल सेटलमेंट जो होती हैं उनको आप कहते हैं एंड फ्रॉड। और क्वार्टर सेटलमेंट जो इंक्रोचमेंट होती हैं ये क्या होती है? इंक्रोचमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आप किसी की लैंड पे इंक्रोच करें, किसकी, किसी और शख्स की प्राइवेटली, आपकी जमीन है एडजेसेंट साथ किसी और की जमीन है, आप वहां पर कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दैट इज इंक्रोचमेंट। आप किसी पब्लिक लैंड के ऊपर कोई डेवलपमेंट कर देते हैं, ठीक है। इंक्रोचमेंट में कुछ चीजें हैं जो सेटलमेंट नहीं होती लेकिन वो भी इंक्रोचमेंट होती है, लेकिन खैर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि पब्लिक लैंड पे डेवलपमेंट करना ये जो इंक्रोचमेंट की टाइप है ये आपकी इलीगल सेटलमेंट होती है। यानी जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता उनको जो एक खाली प्लॉट एक चीज जगह नजर आती है वहां पर वो कच्ची आबादी बना लेते हैं, इनको कच्ची आबादी भी कहते हैं, यानी अपने फॉर्म ऑफ हाउसिंग जो है वो डेवलप कर लेते हैं। अब ये इन्होंने यहाँ पर घर तो अपने बना लिए लेकिन यहाँ पर ना इनके पास सैनिटेशन के इश्यूज होंगे, यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होंगे, ठीक है, यहाँ पर लोगों की डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर ज्यादा होगी, इस सब की वजह से ये जो आपकी कच्ची आबादी होती है ये एपी सेंटर ऑफ डिजीज बन जाती है सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्सल ऑफ लैंड ऑक्यूपाई किया हुआ होता है जो जिसकी एक अच्छी खासी प्राइस होती है वो वेस्ट हो रही होती है, ठीक है। तो ये इलीगल सेटलमेंट होती है। अब ये होती क्यों है, अगेन इस पे अपनी डिबेट है, इस वजह से क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है और इस वजह से भी क्योंकि रूरल एरिया से लोग तो अर्बन एरिया में माइग्रेट करके आ जाते हैं, तो लेकिन रूरल अर्बन को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। जब वहां आते हैं तो सिटीज पर ऑलरेडी इतना स्ट्रेन होता है रिसोर्सेज के ऊपर कि वो उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो दे एंड अप इन दिस काइंड ऑफ कच्ची आबादी दिस क्वार्टर सेटलमेंट। तो ये आपकी होती है इनलीगल सेटलमेंट। सेटलमेंट जो है इसके हवाले से कुछ चीजें और हैं। हाउ सेटलमेंट ग्रो, सेटलमेंट ग्रो कैसे थे? रिबन डेवलपमेंट, प्राइवेट लैंड मेरी भी तो हो सकती है जिसपे आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेटलमेंट कैसे ग्रो करती है? रिबन डेवलपमेंट, कंसेंट्रिक स्प्रेड, सेटलमेंट सैटेलाइट ग्रोथ, रिबन डेवलपमेंट क्या होती है? अलोंग साइड ऑफ हाईवे, कंसेंट्रिक स्प्रेड क्या होता है? ये शहर है तो एक सेंटर है, अब जब इसकी बाउंड्रीज इंक्रीज हो रही हैं तो वो बिल्कुल इस तरह हो रही हैं कि सेंटर चेंज नहीं हो रहा, समझ रहे हो बात को? दिस इज कंसेंट्रिक स्प्रेड, यानी सेंटर से सर्कल में
इक्वली हर तरफ स्प्रेड होगी। सैटेलाइट ग्रोथ, सैटेलाइट ग्रोथ ऐसे होती है कि ये एक शहर है, ये अपनी इसकी पॉपुलेशन डेंस एक लिमिट तक पहुंच गई है, अब नेक्स्ट जो है सैटेलाइट की फॉर्म में इसके साथ न्यू ग्रोथ सेंटर, न्यू अर्बन सेंटर डेवलप करके इसके साथ मिला दिया जाता है। सब अर्ब एरिया मेन शहर वही है, ठीक है, तो ये सैटेलाइट की फॉर्म में शहर के साथ आबादी। फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड स्प्रेड तो यही है कि मतलब इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये शहर था, फ्रेगमेंटेड ग्रोथ ऐसे हुई है कि यहाँ पर कुछ बन गए, कुछ ये बन गए, कुछ ये बन गए, मतलब फ्रेगमेंट की फॉर्म में डिफरेंट जगह से ग्रोथ हो रही है शहर की, लेकिन कोई स्पेसिफिक आपके पास पैटर्न नहीं है। तो फ्रेगमेंटेड या स्कैटर्ड भी कहते हैं, स्कैटर्ड भी, ठीक है। शहर में ग्रो करना है, आइदर आप उसको प्लान करें या ना करें, प्लान करें या ना करें, इसमें ग्रो करना है। तो जब आप प्लान ग्रो करते हैं तो आप उसको कंसेंट्रिक स्प्रेड कराते हैं या आप उसकी सैटेलाइट ग्रोथ कराते हैं। लेकिन जब अनप्लान्ड ग्रोथ होती है तो वो रिबन डेवलपमेंट हो सकती है, वो स्कैटर्ड ग्रोथ हो सकती है, वो अर्बन स्प्रॉल हो सकता है, और वो लीप फ्रॉग डेवलपमेंट हो सकता है। अर्बन लीप फ्रॉग पहले बताती हूँ, ये शहर है, ठीक है। अब ये सिटी से मतलब ने फर्दर इंक्रीज करना था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये लैंड वेस्टर्न है, और यहाँ पे फर्दर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज द लीप फ्रॉग। और लीप फ्रॉग क्यों होता है, व्हाई लीप फ्रॉग हैपन, क्योंकि एडजेसेंट पीस ऑफ लैंड जो है वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मतलब देखे ना कि शहर के बिल्कुल पेरिफेरी में अगर आप बिल्कुल उसके एडजेसेंट यहाँ पर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो वो उसकी प्राइसेस हाई होंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग पहले कुछ यहाँ पर प्लॉट्स लेते हैं, फिर बाज दफा ऐसा होता है कि किसी लैंड स्पेक्युलेटर को आइडिया होता है, वो क्या करते हैं, वो इन एरियाज को, इन प्लॉट्स को खरीद कर यहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन थिंग इज कि ये बीच में से एक आपका स्टेप रह गया, एक पार्सल ऑफ लैंड वैकेंट रह गया, और डेवलपमेंट लीव फ्रॉग की बैठ गई। स्प्रॉल क्या होता है कि लो डेंसिटी हाउसिंग, स्प्रॉल की दो मतलब जो चीजें जिसको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, लो डेंसिटी हाउसिंग विद हाई कम्यूटिंग डिस्टेंस। शहर के सब आज में लोग आबाद हो गए, ठीक है, यहाँ पर अब लोगों की डेंसिटी कम है, यानी बड़े बड़े घर हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ज्यादा है। और मेन सिटी से कम्यूटिंग डिस्टेंस इनका ज्यादा होता है, और ये वो लोग होते हैं जो मोस्टली वेल ऑफ होते हैं, ये स्प्रॉल जो है क्रिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है,
दे हैव द प्राइवेट कार, उनको इस चीज का भी इशू नहीं है कि सीएनजी कितनी महंगी है. व्हाट दे नीड इज देयर प्राइवेसी, व्हाट दे नीड कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट भी इंजॉय कर लें और हम अपनी डेली लाइफ को भी उसी तरह से चलाते रहें. तो दे एंड अप डूइंग दिस जॉब. सो दिस इज हाउ सेटलमेंट ग्रो. अभी हमने क्या किया, सेटलमेंट क्या होती है, सेटलमेंट की टाइप क्या होती है, रूरल अर्बन सेटलमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, आई टोल्ड यू ऑल्सो अबाउट दी हायरार्की. इनको ना अपने पास लिखते जाए जो हम कर रहे हैं, ठीक है. अभी हम करेंगे मॉडल ऑफ ग्रो. शहर ग्रो कैसे करता है, मॉडल्स ऑफ सिटी ग्रोथ जो है वो क्या है, और ये हमें डिफरेंट थेरीज के अकॉर्डिंग करें या मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिए. और एक चीज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट ये भी अगेन आपके पास गैडीज की क्लासिफिकेशन है, हैरोल्ड मैकलन की क्लासिफिकेशन है और एक दो और भी हैं क्योंकि अभी मुझे नाम भूल गया, हम आगे अभी वो देखते हैं प्रेजेंटेशन में लिखे हुए, ठीक है. तो इसमें आपने अब क्या करना है, कौन अभी सेटलमेंट वाले क्वेश्चन में कौन कौन वाले सेक्शन में कौन कौन सी चीजें करनी है, कि वो है सेटलमेंट क्या है, इनकी टाइप क्या है, ये कैसे ग्रो करती है, ये दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इनकी हायरार्की क्या है, मॉडल ऑफ ग्रोथ क्या है, और सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थ्योरीज क्या है. तो सबसे पहले जी आपके पास अगर मॉडल देखें तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल है, आपको समझ आ रही है ना अनिला. यस मैम, आ रही है. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल क्या कहता है कि जब सिटी ग्रो करता है तो वो एक सेंटर के अराउंड, सेंटर पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मॉडल किसने दिया था, ई डब्ल्यू बर्ड. ठीक है, सिटी ग्रो करता है अराउंड द सेंटर, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. और ग्रोथ किस फॉर्म में होती है, कंसेंट्रिक. ठीक है जी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं, जहां पर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हो, रिटेल मार्केट हो, हब होता है ये इकोनॉमी का, इसको आप कहते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के वो कहता है कि बिल्कुल एडजेसेंट एरिया में जोन ऑफ वर्किंग क्लास, ये रहना कहाँ से शुरू करते हैं, पहले तो अबेंडेंट बिल्डिंग्स में, गैराजेस में, फैक्ट्री के इवन बेसमेंट वगैरह को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू लिव. और करते करते ये बिल्कुल सीबीडी के सराउंडिंग में एक रेजिडेंशियल एरिया बना लेते हैं. ये यहाँ क्यों रहते हैं, व्हाई, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज
टू हैव बेटर रेंटल प्लेस। और यहाँ पर आपको लिविंग स्पेस के लिए जो एरियाज हैं वहाँ पर रेंट कम होते हैं। अगर आप उसी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कोई दुकान ले रहे हैं, कोई चीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं, रेंट बहुत ज़्यादा हाई होंगे। लेकिन वहाँ पर जो रेजिडेंशियल जोन बन जाएगा, उस रेजिडेंशियल जोन में रेंट आपके पास मिनिमम होते हैं, ज़मीन की वैल्यू कम होती है। वाई? क्योंकि पोल्यूशन है, हर तरह की नॉइज है, एयर है, वाटर, हर तरह की पोल्यूशन है वहां पे, क्योंकि वहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर लिविंग कंडीशन जो होती हैं वो वर्स होती हैं। इनको क्या फायदा होता है? एक तो ये कि जमीन की यहाँ पर इनके लिए रहना अफोर्डेबल होता है, दूसरा इनको फायदा ये होता है कि इनको फेयर जो है ना ये नहीं रोज का बर्दाश्त करना पड़ता, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे। इस रेजिडेंशियल मिडिल क्लास वर्किंग क्लास रेजिडेंशियल जोन के साथ तीसरा जोन जो आता है वो मिडिल क्लास का। ये साइज में लार्ज होगा, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सारी, ठीक है। और एंड पे आपके आता है हाई क्लास इलीट, दे प्रेफर फार्दर दे आर अवे फ्रॉम दी कमर्शियल जोन, दस दे हैव अगेन देयर ओन ट्रांसपोर्ट, दे प्रेफर क्लीन एनवायरमेंट, तो दे विल एंड अप इन द लास्ट। मैम एक क्वेश्चन है मैम, ओके अगर सेटलमेंट पे क्वेश्चन आता है पेपर में और उसके मॉडल ना लिखे हो तो खुद से लिखने चाहिए फिर? वैसे कोई तो क्वेश्चन देगा ना एग्जामिनर, डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में वो क्या मतलब वो कर रहा है। एक सेकेंड मुझे, पास्ट पेपर में दो तरह के क्वेश्चन थे, एक तो था अर्बन रूरल सेटलमेंट पे, था कंपैरिजन था उनका, और रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग किस तरह होती है, ये दो चार ही क्वेश्चंस थे। तो इसलिए ये पूछ रही थी कि अगर मॉडल पे ना पूछा हो तो मॉडल मॉडल्स लिखने चाहिए। नहीं, अगर नहीं पूछा तो नहीं देने। एक अच्छा।